तो लास्ट क्लास में हमने किया था कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं और उसके कुछ रूल। तो एक बार रूल को रिपीट कर दो, एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के अपोजिट है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए आपको। बस एक ही चीज याद रखनी है कि एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो डिक्रीज हुई तो क्रेडिट, और कैपिटल और लाइबिलिटी दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ एसेट। तो एसेट यदि डेबिट में इंक्रीज होती है तो कैपिटल एंड लाइबिलिटी विल इंक्रीज इन क्रेडिट और डिक्रीज इन डेबिट। ये तीन परमानेंट अकाउंट होते हैं, कैपिटल लाइबिलिटी एसेट। फिर दो टेम्पररी अकाउंट, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू का रूल, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, तो एक्सपेंसेस का ठीक उसका रिवर्स, एक्सपेंसिव डेबिट। तो ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में? शुरू के ट्रांजेक्शन के लिए मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बनाऊंगा, उसके बाद क्योंकि नहीं तो बार बार मेरे को रब करना पड़ेगा तो मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको हमेशा फॉर्मेट में काम करना है। अकाउंटेंसी में 11 क्लास में फॉर्मेट के नंबर होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन क्वेश्चंस में आपको गिवन, मतलब एग्जाम वगैरह में गिवन होते हैं, वो आपको नहीं लिखने, आपको डायरेक्ट जर्नल एंट्री लिखनी होगी, लेकिन मैं यहाँ ट्रांजेक्शन लिखूंगा नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आपको ट्रांजेक्शन नहीं लिखने होते, ठीक है। तो आप शुरू करिए, आप भी अभी के लिए एक बार ट्रांजेक्शन लिखने के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा ट्रांजेक्शन। और फॉर्मेट आप लोगों को जर्नल का पता है, जर्नल पहले ही बता चुका हूं, डेबिट क्रेडिट रुपीस रुपीस स्कूल नंबर सीरियल नंबर का बनवाया, कोई इससे कोई मैटर नहीं करता, बनवाया बनवाता नहीं। एलएफ बताओ, एलएफ लेजर फोलियो। जब हम ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड करेंगे तो हमको लेजर में पोस्ट करना पड़ता है, जहां पर कैश अकाउंट ओपन किया होगा वो जो पेज नंबर होगा वो यहाँ डाल देंगे। कैश के सामने कैश का, कैपिटल के सामने कैपिटल का पेज नंबर, हर अकाउंट अलग पेज पर ओपन किया जाता है लेजर, राइट। अभी क्योंकि लेजर फोलियो हमें खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई लेजर जैसी बुक अभी नहीं है ना। हाँ जी, तो पहला ट्रांजेक्शन जब हमने शुरू किया था तो हम बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन था, समझ लीजिए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख तक। बिजनेस का पहला ट्रांजेक्शन यही होता है कि ओनर ने बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट किए 5 लाख। इससे क्या होगा, समझ लीजिए, डेट डाली April 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये टू नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के साथ क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, मतलब सॉरी, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है उसके साथ क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। जैसे यहाँ कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो उसके सामने क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, इम्प्लाइड हो रहा है, ठीक है। डेबिट लिखा जाता है, क्रेडिट नहीं लिखा जाता। अमाउंट कैश के सामने 5 लाख और कैपिटल के सामने 5 लाख, और फिर हमें इसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है ट्रांजेक्शन का, जिसको हम बीइंग से शुरू करते हैं, लेकिन आपने बीइंग नहीं भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्कूल के लिए जैसा आपके स्कूल में बताया जाए आप वैसा कर सकते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्ट, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, बस ये डिस्क्रिप्शन देना होता है कि ट्रांजेक्शन किस बारे में है, और लाइन केवल मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर्स के कॉलम में लगती है और इसको ब्रैकेट डाल देते हैं।
तो ये ट्रांजेक्शन हो गया कंप्लीट रिकॉर्ड, राइट। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर रुपीज 1 लाख, फर्नीचर परचेज किया, राइट। फर्नीचर इज अवर एसेट, फर्नीचर परचेज करेंगे, फर्नीचर एसेट इंक्रीज होगी। कुछ नहीं लिखा तो हमेशा मानना है कि पेमेंट कर दिया, तो कैश क्या हो जाएगी, डिक्रीज, राइट। तो एसेट इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। 1 लाख 1 लाख बीइंग फर्नीचर परचेज, थर्ड ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स रुपीज 2 लाख, परचेज गुड्स रुपीज 2 लाख। नाउ यू रिमेंबर, गुड्स वो चीज है जो हमने रीसेल करने के लिए परचेज, तो जब गुड्स परचेज करेंगे जिसमें हम डील करते हैं, तो उस अकाउंट का नाम भी परचेज अकाउंट होगा, चाहे ये बिजनेस स्टेशनरी का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हो, चाहे फर्नीचर का ही क्यों ना हो, कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ कहा कि परचेज फर्नीचर, तो क्या पता सर हमारा बिजनेस फर्नीचर का हो, नहीं हमको नहीं मानना है सर, हमको नहीं मानना, वैसे भी ये गुड्स लिखेगा वो उसके, ठीक है, हमको अपनी मर्जी से नहीं मानना। फर्नीचर परचेज किया है फर्नीचर अकाउंट, एसी परचेज किया है एसी अकाउंट, बिजनेस के लिए ऑब्वियसली बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी, कभी मत भूलना, ठीक है। ऑनर ने अपने घर के लिए कुछ भी खरीदा उस समय कोई मतलब नहीं, और जब तक हमसे कहा ना जाए हर ट्रांजेक्शन को बिजनेस का ट्रांजेक्शन मानना है, कि आप ये मत कहना सर हो सकता है फर्नीचर उसने घर के लिए खरीदा, हमें ऐसा सोचना ही नहीं है, वो बताएगा यदि कभी ऐसा हुआ, ठीक है। परचेज गुड्स रुपीज 2 लाख, तो आप कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को क्यों डेबिट करेंगे, ये वैसे आपको, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको ये ब्रैकेट में ई डाला, ई मतलब एक्सपेंसेस अकाउंट, परचेज कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंसेस, जैसे कैश अकाउंट कौन सा था, एसेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कौन सा था, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कैपिटल अकाउंट ही होता है, 5 तरीके के अकाउंट होते हैं, एसेट लायबिलिटी कैपिटल परमानेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टेम्पररी, फर्नीचर एसेट, कैश टू एसेट होता है यह पता लग गया बार बार, परचेस अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस, वी ट्रीट, ये एक ट्रेडिशन बना लिया कि वैसे परचेस देखा जाए तो गुड्स अभी मेरे पास हैं, वो खत्म नहीं हुए, लेकिन हम उसे एक्सपेंसेस मान लेते हैं, ठीक है, परचेस अकाउंट को हम एक्सपेंसेस मान लेते हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ हमें यह भी नहीं मालूम कि कैश में खरीदे हैं कि उधार में, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा हो तो हमेशा क्या मानना है, कैश में खरीदना है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2 लाख, क्या लिख देंगे यहाँ पर, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। अब ये यहां तक मैंने पूरा फॉर्मेट में किया, राइट। अब आपने देखा 3 ही ट्रांजेक्शन लिखे गए फॉर्मेट में किया, तो अब मैं फॉर्मेट आगे नहीं बनाऊंगा, आपको पता, आपको फॉर्मेट दिखना चाहिए, है नहीं, लेकिन आप उसको देख लेना अपने आप, ये बीम वगैरह नरेशन में अब नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है। यहां कई चीजें मैं शॉर्ट फॉर्म में या कुछ ऐसे यूज कर सकता हूं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते सर आप भी तो करते हो, हमने भी एग्जाम में कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है, तो मेरा फिर वही एक वो सिंपल सी बात होगी, तुम आओ और मेरे को यहाँ पर उसके नंबर दे दो, तो मेरे को 10 में से 0 दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें 10 में से 0 दे दूँ तो तुम्हें मंजूर होगा क्या, नहीं ना, तुम्हें एग्जाम में आए तो नहीं ना, तो ये तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकता, ठीक है। क्योंकि यदि मैं इसको पूरे फॉर्मेट में करूंगा तो ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं हो पाए, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, आपके स्कूल में टेस्ट में सब कुछ फॉर्मेट से करना है, पूरे 11th क्लास में अकाउंट्स में फॉर्मेट पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, क्लियर है ना। ये आज
मतलब आगे हम कभी भी करेंगे तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, आप ये समझ लो कि आपको फॉर्मेट हमेशा बनाना है, चाहे मैं बना रहा हूं या नहीं बना, राइट? तो तीन ट्रांजेक्शन हमने किए। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊपर से शुरू कर रहा हूं। परचेस गुड्स पहला ट्रांजेक्शन था, अब हम परचेस से रिलेटेड को ट्रांजेक्शन देखें। परचेस गुड्स, अब नया ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। ये मालूम है ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार, राइट? रुपीज 30,000। हाँ, क्या एंट्री करेंगे? परचेज तो हुए है ना गुड्स, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा। गुड्स परचेज हुए तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कुछ सोचने का मैटर ही नहीं है। क्रेडिट चेंज होगा क्योंकि अब पैसे नहीं दिए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करें? एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है, उधार में खरीदा है, एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है। उस लायबिलिटी का नाम अभी नहीं पता, वो राम से खरीदा के श्याम से, तो अभी के लिए काम चला लेते हैं टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब नाम नहीं पता तो क्या करें? टू सप्लायर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, राइट? अमाउंट तो 30,000 एंड 30,000, राइट? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेस गुड्स फ्रॉम राम, गुड्स राम से परचेस किए। अब क्या यहां पर लिखा है कि राम से परचेस किए थे, उधार परचेस किए कि कैश? तो क्या मानूं कि कैश में परचेस किए कि उधार? नहीं, नहीं, अब उधार मानना पड़ेगा। अब हो गए, तुम क्यों मानना पड़ेगा भाई, क्या जबरदस्ती है? सोच के देखो जरा, जब तुम कोई चीज खरीद कर लाते हो, ठीक है, तुम सामने वाले दुकानदार का नाम पूछते हो, दुकान का नाम तुम्हें पता है, रोज जाते हो तो बात अलग है। वैसे क्या जरूरत है जब तुम पैसे देकर आ रहे हो, वो तुम्हारा नाम पूछता है। तुम उधार में परचेस करके लाओगे तो नाम पूछेगा कि नहीं, कहीं लिखेगा कि नहीं? तो जब हमको कोई नाम दिया है तो हमको मानना पड़ेगा कि ये नाम इसीलिए दिया है कि ये ट्रांजेक्शन उधार का है, नहीं तो क्या जरूरत थी राम से किया कि श्याम से किया, क्या फर्क पड़ता था हमको? यहाँ ऑब्वियस क्या है? मैं ये नहीं कह रहा ये लिखा है कैश, लेकिन क्या ऑब्वियस है? मतलब नेम दिया है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ऐसा मानना ज्यादा लॉजिकल है। लिखा कुछ भी नहीं, अज्यूम ही कर रहा हूं, लेकिन अजम्पशन क्या होनी चाहिए? लॉजिकल। और लॉजिकल अजम्पशन कहती है जब नाम गिवन है तो उस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानना चाहिए। तो क्या एंट्री हो गई? अब परचेस अकाउंट तो डेबिट होगा, चाहे कैश हो चाहे उधार। परचेस कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंसेस अकाउंट। अकाउंट पांच तरीके के होते हैं, एसेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंसेस अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट कोई अकाउंट नहीं होता, डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट और क्रेडिट का मतलब होता है, जब हम परचेस अकाउंट में लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, इसलिए इसको कह रहे हैं डेबिट का, ठीक है? तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। राम यहां पर क्या है? लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट, रिमेंबर, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं उसे? क्रेडिट। तो इसीलिए राम यहां क्या है? लायबिलिटी। परचेस तो पहले ऑलरेडी लिख दिया था, एक्सपेंसिव अकाउंट है तो अब एक्सपेंसिव ही रहेगा, ये कोई बार बार चेंज नहीं होने वाला। परचेस एक एक्सपेंसेस अकाउंट। आपने देखा तीन ट्रांजेक्शन लिखे परचेस से रिलेटेड, तीनों में परचेस अकाउंट डेबिट हुआ ऊपर, तो चाहे कैश में हो चाहे उधार में हो चाहे कैसे भी है, गुड्स परचेस हुआ तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्योंकि बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, इससे साइंटिफिक सिस्टम है ही नहीं दुनिया में। तो परचेस एक, हर ट्रांजेक्शन में एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब तुम्हें पता है कि परचेज डेबिट होगा तो दूसरा, तो तुम्हें अपने आप ही पता लग गया कि दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा।
कितना आसान हो जाएगा यदि ये बात दिमाग में अच्छे से आपके आ जाए कि सेकंड अकाउंट जो भी होगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। और राम, लेकिन जैसे मान लीजिए परचेज गुड्स किए राम से, फिर परचेज किए श्याम से, तो क्या एंट्री होगी? अब श्याम से परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, मोहन से किए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, एक बात बताओ, जब तुम ये 10-20 बार ये एंट्री कर लोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। यहाँ तक कि मान लो ये बच्चे बाहर खेल रहे हैं, समझ लो 6th, 7th, 5th, 6th, 7th क्लास के बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से किसी को बुलाओ, देख भाई परचेज, जब राम से परचेज करते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज टू राम, तो शाम से करेंगे तो क्या, तो शायद वो भी बता दे परचेज टू शाम, लेकिन उसे पता नहीं परचेज क्या बुला है और ये बाकी और कुछ भी। तो आपको ऐसा नहीं होना है, आपको आपके और उसमें क्या अंतर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए परचेज को डेबिट क्यों किया है। परचेज एक एक्सपेंसिव अकाउंट है और एक्सपेंसिव जब इंक्रीज होते हैं तो उसे डेबिट करते हैं। राम एक लायबिलिटी है और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। ये अंतर है आप में और उसमें। खाली ठीक है, लिखने से कई दिनों बाद ही अपने आप रट जाते हैं दिमाग में, कोई फायदा नहीं है, ऐसे कुछ नहीं सीखा आपने, उससे तो ना सीखना ज्यादा अच्छा है। जब तक आप यहां पर जो भी अकाउंट लिख रहे हैं ना अपने यहां, मान लीजिए आप अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं परचेस अकाउंट, ठीक है, और क्रेडिटर अकाउंट, और आपको ये पता नहीं कि परचेस कौन सा अकाउंट है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस में से, या क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है, तो मैं कहता हूं आपको लिखने का राइट ही नहीं है रजिस्टर में, पहले ये पता करो कि ये कौन सा अकाउंट है फिर लिखना। क्लियर? हाँ जी, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट अमाउंट, तो ठीक है अभी तो कुछ भी लिख लेते हैं कोई उससे, जब तक दोनों में हमें डेबिट और टोटल क्रेडिट तो इक्वल नहीं है तो उसमें कोई अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। परचेस गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। अब तुम यहां कहोगे कि ये राम भी दे रखा और कैश भी दे रखा है, तो अब तो वो बता रहे हैं तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वो तो कह रहे हैं कैश में परचेस किया, तो तुम कहोगे कि राम का नाम दिया क्यों उसने, उसकी मर्जी, वो क्वेश्चन है, वो बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट, हमें उसमें दिमाग नहीं लगा। उसने कहा है कि कैश में परचेस किया है तो कैश में परचेस किया, तुम ये नहीं कह सकते राम का नाम क्यों दिया फिर उसको। ठीक, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट? क्लियर है भाई सबको? आपने देखा परचेस के चार ट्रांजेक्शन लिए, लेकिन परचेस चारों में डेबिट, क्रेडिट चेंज किया जैसा सिचुएशन, याद रहेगा सबको। अब आते हैं इससे अपोजिट ट्रांजेक्शन, सेल के ट्रांजेक्शन, परचेस का उल्टा सेल। अब देखो, यदि तुम्हारे, जो मैं बार बार आप लोगों के माइंड में एक बात डालना चाहता हूँ, उस पूरी जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें भी मैंने बार बार कोशिश की ये आपको अलग अलग तरीके से बताने की, कि भाई अकाउंटिंग एक बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि परचेज तो डेबिट होता है, तो जैसे ही मैंने सेल का ट्रांजेक्शन शुरू किया तो आपके दिमाग में एकदम घंटी बज जानी चाहिए, सेल तो हमेशा क्रेडिट होगा, जब परचेज डेबिट होता है तो परचेज और सेल तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो मेरे बिना बताए भी दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए, तब तक आप, मेरा ये बताने का बार बार फायदा होगा कि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इतना लॉजिकल सब, डबल एंट्री सिस्टम इतना लॉजिकल सिस्टम है, राइट? हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिए, अब गुड्स सोल्ड ₹50,000, गुड सोल्ड ₹50,000। हाँ जी, तो अब बताओ जरा, गुड सेल किए तो पैसे आए कि गए? आए तो फिर क्या करते हैं? डेबिट। पैसे आए तो डेबिट करते हैं, भूलिए मत, पैसे आए तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और सेल अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। तो टू सेल अकाउंट 50,000, राइट? अब गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट 25,000, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मतलब वही
उधार। अब उधार में माल बेचा, सेल तो क्रेडिट होगा ये पक्का मालूम है ना, तो डेबिट किसको करें? डेटर अकाउंट, क्योंकि नाम नहीं पता क्या कर सकते हैं, उसको बताना चाहिए था, उसने नहीं बताया तो हम लिख सकते हैं डेबिट, या कस्टमर अकाउंट भी लिख सकते हैं। बी साइलेंट है, मैंने पहले भी बताया आपको, इसको पढ़ते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट अमाउंट 25 25 गुड्स सोल्ड टू मोहन। अब नाम दे रखा है तो डेटर की जगह नाम आ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। हाँ जी, क्लियर हुआ भाई तीनों? अब वही कैश मैं दे दूं तो फिर मोहन जैसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बनाओ कि भाई मोहन को बेचा कैश में, तो फिर वही कैश टू सेल करना पड़ेगा। क्लियर? एक चीज आप देख रहे हैं, सेल अकाउंट तीनों में क्रेडिट हुआ, और सेल कौन सा अकाउंट है? रेवेन्यू। सेल कौन सा अकाउंट है? रेवेन्यू। क्लियर? कैश एसेट डेटर एसेट, यहां मोहन एसेट है। देखो ये जो नाम वाले अकाउंट है ना, राम श्याम मोहन, ये एसेट भी हो सकते हैं और लायबिलिटी, ये डिपेंड करता है। पैसे लेना है तो एसेट, देना है तो लायबिलिटी। ये परचेस और सेल के ट्रांजेक्शन क्लियर हो गए? अभी तक जो हमने किया उससे दो तीन चीजों को रिपीट कर ले तो आप ये समझ लो 85% या 90% तक ट्रांजेक्शन आपके हो गए। कैश इंक्रीज होता है डेबिट और डिक्रीज होता है क्रेडिट। अब मुझे आप बताइए, क्या इस स्टेज पर 11th क्लास के बच्चे हैं, आपको ये तो पता होगा कि कौन से ट्रांजेक्शन में कैश आता है और कौन से में जाता है? पता होगा ना? ऐसा तो नहीं है कि भाई माल खरीदेंगे हम तो सामने वाला पैसे भी देगा, ऐसे ऐसे विचार तो नहीं आते ना आपके मन में? सबको पता है ना पैसे आना और पैसे जाना। अब जब तुम्हें ये पता लग गया कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, मान लो कैश इंक्रीज हुई है तो कैश क्या होगी? डेबिट। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। पता करने की भी जरूरत नहीं रही, अपने आप पता लग गया कैश क्रेडिट हुई तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो पहले तो कैश का पता लग जाए हमको हमारा, और तुमको पता है 50% ट्रांजेक्शन तो में तो कैश इन्वॉल्व भी होता है, तो 50% ट्रांजेक्शन तो ऐसे ही हो गए हमारे। अब इसके बाद आते हैं परचेस क्या होता है। जनरली कुछ सिचुएशन आएगी जहां पर क्रेडिट करेंगे, लेकिन जनरली परचेस क्या होता है? डेबिट। अब परचेस डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? सेल जनरली क्या होता है? क्रेडिट। और जब परचेस डेबिट होता है तो सेल वैसे भी जनरली क्रेडिट होगा। क्लियर है? अब ये तीन जब तुम्हें चीजें समझ में आ गई तो समझ लो 80-90% ट्रांजेक्शन तो वैसे ही हो। क्लियर? यस सर। अब चल, अब इसके बाद हम आगे के ट्रांजेक्शन शुरू करेंगे। बस तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब हम लेते हैं, हमने लिए अभी परचेस और सेल के ट्रांजेक्शन, हमने क्रेडिट के ट्रांजेक्शन भी लिए। तो अब आप सोचिए जरा, जिनको माल उधार में बेचते हैं या जिन जिनसे हमने उधार में लिया है, हमेशा के लिए तो नहीं लिया ना, पैसे तो आएंगे भी और पैसे जाएंगे, तो हमने गुड्स शायद राम से परचेस किए थे उधार में, राइट? अब मान लीजिए हमको राम को पेमेंट करनी है, राम को पेमेंट करनी है, कभी तो करनी पड़ेगी, तो बताइए कैसे करनी चाहिए हमको? पे टू राम। अब जितने की परचेस की थी जरा बताएंगे आप? और नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 20,000 एक साथ में दे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं, ठीक है? 20,000 कैसे एंट्री करेंगे? ट्राई करिए, क्या हुआ भाई इतना मुश्किल है क्या? राम अकाउंट टू कैश अकाउंट। देखो अभी मैंने आपको क्या कहा था, आप पे टू राम, जरा इसका मतलब बताइए क्या होता है? राम को पेमेंट दी तो क्या दिया राम को? और जब कैश देते हैं तो कैश को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो दूसरा अकाउंट इसमें और कौन सा है? डेबिट। मतलब नहीं, अकाउंट राम ही हो सकता है और तो ट्रांजेक्शन, तो एंट्री अपने आप बन गई राम अकाउंट डेबिट टू कैश।
जो ऐसे सोचना शुरू करो ना भाई, पे जहां पे आ गया तो सीधी बात है कैश, कैश क्रेडिट हो रही है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? डेबिट। लेकिन ये ठीक है एंट्री करने के लिए सही है, लेकिन सीखने के लिए नहीं। सीखने के लिए तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि राम को डेबिट किया क्यों, क्यों किया? वो लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो राम अकाउंट को इसलिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। लेकिन हमें कैश क्रेडिट करनी है तो राम अपने आप पता लग जाता है, लेकिन हमें दोनों पता होने चाहिए। वो ठीक है जल्दी करने के लिए एंट्री है, लेकिन पता जरूर होना चाहिए। तो राम अकाउंट डेबिट, राम हमारे लिए यहां पर क्या थी? लायबिलिटी जो डिक्रीज हुई है। राम अकाउंट डेबिट टू कैश 20। अब देखो आपको याद होगा ना अकाउंट कैसा होता है, टी फॉर्म। ये राम अकाउंट है, जब ये दोनों एंट्री यहां से जर्नल से पोस्ट हो जाएंगी तो कैसे दिखाई देंगी? जब गुड्स परचेज किए थे तो क्रेडिट में लिखा था 20, और जब पेमेंट कर दी तो 20 और 20 दोनों साइड इक्वल, मतलब राम का अकाउंट इक्वल, ना कुछ लेना ना कुछ देना। मान लीजिए राम को पेमेंट की होती हमने अभी 15,000 लीजिए, इसको 15 कर दिया तो यहां पर कितने आते? 15। अब इसको देख के हम बता सकते थे ना, राम को अभी 5,000 रुपए देने हैं, अभी और भी देने हैं, ठीक है। फिर आगे जाके राम को फिर 5,000 दे दिए, फिर से एंट्री करेंगे राम अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, यहां 5 लिखेंगे, अकाउंट क्लोज। अब राम से ना कुछ लेना। तो आप एक बात बताइए, हमारी आपको पता है प्रिंसिपल बुक कौन सी है? ये वाली लेजर। इससे पता लगता है जर्नल हेल्पिंग बुक है, लेजर प्राइमरी बुक कह सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी या तो प्राइमरी, प्राइमरी मतलब पहली बार जब ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है वो जर्नल में लिखा जाता है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंसिपल बुक भी जर्नल होती है। नो, प्रिंसिपल बुक होती है लेजर, क्योंकि लेजर से पता लगता है। अभी हम कैश का अकाउंट बनाएंगे तो उससे पता लगेगा कैश कितने हैं हमारे पास। क्लियर? हाँ जी। अब हमने जैसे मोहन को उधार में माल बेचा था, तो कभी ना कभी मोहन से भी पैसे आएंगे। कैश कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। क्यों किया भाई? ये एक एसेट थी जो डिक्रीज हो गई है, अमाउंट जो भी आई थी उससे, जो भी, अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जब तक एक ही डेबिट और क्रेडिट में एक ही अमाउंट है, जब तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि अमाउंट नहीं भी लिखे तो चलेगा। क्लियर है भाई? पैसे आए, पैसे क्लियर, कोई प्रॉब्लम? रेंट पे, प्रीवियस क्लास में आपको बताया था रेंट इज एन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो रेंट को क्या करेंगे? डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब तो पता लगी क्या होगा, पैसे दिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब सारे एक्सपेंसेस के लिए यही एंट्री, रेंट पे किया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी पे की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, स्टेशनरी का खर्चा कोई आ गया स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, फ्रेट, फ्रेट मतलब भाड़ा, भाड़ा फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, कार्टेज अकाउंट रिक्शा भाड़ा, फ्रेट जरा यदि ट्रक से आए, रेल से आए, शिप से आए तो फ्रेट बोल देते हैं, और रिक्शा वगैरह से आए तो कार्टेज बोल देते हैं या कैरेज बोल देते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस है, राइट? कितने भी तरीके के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। स्टाफ को कन्वेंस के पैसे दिए, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, सेल्समैन को टूर्स एंड ट्रैवलिंग के लिए पैसे दिए, टूर्स एंड ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बहुत सारे, हर एक्सपेंसेस को क्या करना है? डेबिट। और यदि पेमेंट कर दी है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मान लीजिए हमारे बिजनेस में कुछ ऐसा भी काम है
जिसमें हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में हमको कमीशन मिलती है, कमीशन हमको मिलती है, मतलब हमारे लिए ये रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम। तो क्या एंट्री करेंगे, कमीशन रिसीव्ड अब रिसीव हुआ है तो इसका मतलब कैश मिला होगा और अकाउंट का नाम ही रख देंगे टू कमीशन रिसीव। और ये कौन सा अकाउंट है, रेवेन्यू। मान लीजिए कोचिंग सेंटर है, जब उसे फीस मिलती है तो वो क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट, डेबिट टू फीस अकाउंट। फीस उसके लिए क्या हो गया, रेवेन्यू अकाउंट। क्लियर है बिल्कुल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम लेते हैं कुछ कंपाउंड है, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत जरूरी है। ट्रांजेक्शन अभी बहुत है, धीरे धीरे करके हम लेते जाएंगे, लेकिन इस स्टेज पर क्योंकि हमको थोड़ी जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना उसमें डिस्काउंट बहुत स्टार्टिंग से आ जाता है, ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा एक कंपाउंड एंट्री भी लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हमको ये देखना है ये कंपाउंड एंट्री होती क्या है। कंपाउंड एंट्री, व्हेन टू और मोर ट्रांजेक्शन Incorporated into a single entry, then it is called compound entry. Right? दो या उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन को एक साथ में कर दिया तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जैसे रेंट पेड रुपीज 5, सैलरी पेड रुपीज, ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं, अप्रैल 15, दोनों ट्रांजेक्शन अप्रैल 15 के, दोनों की अलग अलग एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इस एंट्री को कंपाउंड किया जा सकता है, कैसे, रेंट अकाउंट डेबिट 5000, सैलरी अकाउंट डेबिट 10000, टू कैश अकाउंट 15,000। पहले देख लीजिए टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट, क्योंकि आपको पता है इसका तो कोई एक्सेप्शन होता ही नहीं, टोटल डेबिट मस्ट बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट। अब आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन को थोड़ा स्पेस देकर क्यों लिखते हैं। इस ट्रांजेक्शन में हमको दूर से भी, कितने भी दूर से आप देखेंगे, एकदम क्लियर 5000 एंड 10,000, मतलब इन दोनों को हमने रेंट और सेल, राइट, एक दूसरे साफ पता लग रहा है ये डेबिट हो गया और क्रेडिट वाला बिल्कुल अलग अलग। तो कंपाउंड एंट्री में ये बिल्कुल और क्लैरिटी आती है जो हम स्पेस देते हैं, तो स्पेस देने का कोई लॉजिकल रीजन है हमारे पास कि दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं यहां पर और एक अकाउंट क्रेडिट। मान लीजिए दो क्रेडिट हो रहे होते तो दोनों को स्पेस देके टू को साथ में ही लिखते थे, टू कैश अकाउंट या टू साथ में कोई और अकाउंट। क्या हम कोई भी एंट्री को कंपाउंड कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कंपाउंड करने के लिए एक चीज तो मस्ट है कि दोनों तीनों ट्रांजेक्शन एक ही डेट के होने चाहिए, क्यों, हमारी अकाउंटिंग कहती है कि आपको हर रोज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेना,
तो अलग अलग दिन के ट्रांजेक्शन तो एक साथ में किए नहीं जा सकते, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। उसके अलावा बाकी को हम रूल तो नहीं कह सकते, लेकिन जनरली ऐसा होता है दोनों ट्रांजेक्शन या तीनों ट्रांजेक्शन में जनरली एक अकाउंट कॉमन होता है। मैंने फिर कहा यह कोई रूल नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। जैसे हमारे इसमें कैश अकाउंट कॉमन था, दो ट्रांजेक्शन थे ना, रेंट टू कैश, सैलरी टू कैश, उसमें कैश अकाउंट कॉमन था। और क्या हो सकता होना चाहिए, जनरली सेम नेचर के अकाउंट को कंपाउंड किया जाता है। मान लो मैं एक ही दिन फर्नीचर भी परचेस कर रहा हूं और रेंट भी पे कर रहा हूं। फर्नीचर परचेस किया तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या मैं दोनों को कंपाउंड कर दूं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन दोनों सिमिलर नेचर की एंट्री नहीं है, फर्नीचर एक एसेट है और रेंट एक एक्सपेंस है, हमें नहीं करना चाहिए। जनरली सिमिलर नेचर की एंट्री को कंपाउंड कर, क्लियर। अब कंपाउंड के अंदर जो सबसे ज्यादा एंट्रीज आती हैं हमारे, वो डिस्काउंट की होती है, ठीक है। डिस्काउंट को पूरा एक अलग से टॉपिक भी लूंगा मैं, लेकिन फिर मतलब इस समय केवल डिस्काउंट जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होती है केवल उतना लेगा, राइट। तो देखिए जरा डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री कैसे होती है। रिबेट समझ लो डिस्काउंट का ये कजिन है। कोई आपने जैसे कुछ किसी को गुड सेल किया, कुछ क्वालिटी की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अब वो सामने वाले को आप कंपेंसेट करोगे क्वालिटी के लिए, तो क्या करोगे, हम कहेंगे कुछ रिबेट दे देते हैं, तो नहीं बात हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया, सामने वाले के लिए इनकम है। प्राइस अब बिल तो बन चुका ना, भाई थोड़ा बहुत पैसे आपने उसे कम कर दिए, तो हम कह सकते हैं रिबेट दे, राइट। हाँ जी, तो दो तीन ट्रांजेक्शन ये कंटिन्यूएशन में ले गया, ठीक है। गुड सोल्ड टू राम रुपीज 50,000, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकेंड गुड्स रिटर्न बाई राम रुपीज 5,000। थर्ड रिसीव रुपीज 44,000 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट, राइट। तीन ट्रांजेक्शन मैंने लिए, अलग अलग डेट के हैं, ठीक है। अब इनकी एंट्रीज करते हैं। पहले ट्रांजेक्शन की एंट्री सोल्ड, ये तो पता होगा ना क्या एंट्री होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सही। कैश कहां से आ गया, और कैश आता क्योंकि उधार में है राम को, और आता तो मान लो यदि ये कैश आता भी तो डेबिट होता ना, तो क्रेडिट कैसे होता, माल बेचा पैसे भी दिए, हम साधारण लोग हैं, राजा महाराजा खानदान के नहीं है, माल भी दे और साथ में पैसे भी दे, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और आपको बताया था जब माल बेचते हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, इतनी जल्दी भूले हो तो कैसे चलेगा। राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 50,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे ध्यान दीजिए जरा, उसने 5,000 रुपए के गुड्स रिटर्न वापस कर दिए, तो देखा जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, 5,000 रुपए से इस एंट्री को रिवर्स कर देना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन समझ लो हुआ ही नहीं, 5,000 का माल बिका नहीं, तो इस ट्रांजेक्शन को क्या करना चाहिए, रिवर्स। अब रिवर्स करूं तो सेल, राइट। लेकिन एक हम क्या करते हैं, इसके साथ एक वर्ड लगा देते हैं रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। इतनी डेटर हमारा कम हो गया ना,
अब जो माल वापस आ गया तो उसके पैसे भी तो नहीं मांगेंगे ना हम उससे, कैसे मांगेंगे? 5,000 अब ये रिटर्न लगाया क्यों, सेल ही रहने देते? थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले भी बताया अकाउंटिंग जो है खाली लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का नाम नहीं है, ये हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यदि मैंने इसको सेल में से ऐसे नेट कर दिया तो साल के आखिर में मुझे ये नहीं पता लगेगा कि मेरा कितने रुपए का माल वापस आ गया। सेल रिटर्न अकाउंट बनाऊंगा, पूरे साल भर में सेल रिटर्न अलग लिखता जाऊंगा तो साल भर की सेल रिटर्न सामने आ जाएगी। सेल में से कम करना है, इतनी सेल हुई नहीं वो साल के आखिर में कम कर दूंगा, लेकिन अकाउंट रखने से क्या फायदा होगा? पता लगेगा। पता लगाना क्यों जरूरी है? अब आप बताओ एक बिजनेसमैन को ये पता नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा कितने रुपए का माल वापस आ रहा है? जरा पिछले साल से कंपेयर करके देखें, पिछले साल भी आया था क्या उतना? या दूसरे बिजनेस में भी जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनके साथ भी ऐसा होता है? यदि उनके साथ नहीं हो रहा, खाली हमारे साथ हो रहा है, तो हमको जरा चेक करना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए, माल वापस आना या माल वापस करना दोनों ही अच्छी चीज नहीं है, इसमें एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं और रेपुटेशन भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन ये सारी चीजें हम अवॉइड तब कर सकेंगे ना जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। और कुछ चीज जैसे कुछ सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न को अवॉइड नहीं किया जा सकता, कुछ चीजें होंगी वो तो बिजनेस का पार्ट है, लेकिन एक्सेस तो नहीं हो रही, ज्यादा तो नहीं हो रही, बढ़ तो नहीं रही पिछले सालों से, तो इसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए हम सेल रिटर्न को क्या करते हैं? सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही जब परचेज रिटर्न होगी तो परचेज रिटर्न को भी क्या करेंगे? सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। सेल क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न उसका रिवर्स है, वो डेबिट होता है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को बहुत ध्यान से देखना है। अब मुझे बताइए हमें राम से टोटल अमाउंट लेने कितनी है? 45,000। इसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए ना भाई, 50,000 में से 5,000 चले गए, 45,000। लेकिन उसने हमको 44,000 दिए और साथ में लिखा है फुल सेटलमेंट। क्या मतलब हुआ भाई? अब ये 44 है बस, आगे कुछ नहीं मिलने वाला। तुम सोचोगे ये क्या है, ये कोई जबरदस्ती है, ये क्या बिजनेस है, चलता है, ऐसा हो सकता है? हम जो मानते हैं, ज्यूम करते हैं, हम मानते हैं कि हमने शायद उससे जो अमाउंट पहले पेमेंट मांगी हो, समझ लो हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो 10 दिन की होगी, हमें 5 दिन बाद पैसे की जरूरत पड़ी। अब 5 दिन बाद हम उससे कह रहे हैं भाई हमारे पैसे, तो वो कहता है 10 दिन बाद दूंगा। अब ये बिजनेस है, इसमें यारी दोस्ती भी नहीं चलती। हम कहेंगे भाई अभी दे, तो कहेगा मेरे को क्या फायदा, ठीक है भाई। हम कहेंगे 44,000 दे दे और 1,000 रुपये कम दे दे भाई, काम चलाना है अपना, समझ रहे हो ना? ये बिजनेस में होता है। यहाँ पर ये मत सोचने बैठ जाना जब 45 ले रहे हैं तो 45 क्यों नहीं लेंगे, ऐसा होता है। अकाउंट्स के बच्चे पढ़ के पढ़ लिख के जब दुकान पे बैठते हैं ना, कई बार अच्छे पढ़ लिख जाते हैं दुकान पे, पापा ने कहा 44 ही दे, क्यों? जब हमको लेने 45 थे, पढ़ के आए होते ना, उन्हें थोड़ी ना पता है बिजनेस कैसे, बिजनेस चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब पापा को तो पता है इसमें 10,000 रुपये कमा रखे हैं पहले ही, तो 1,000 कम भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, समझे? तो ये मत सोचना कि भाई 44 क्यों ले रहे हैं हम उनसे, चलता है। हम इसको मानते हैं कि हमने उसे पहले पैसे मांगे, और इस चीज को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। ये हमने उससे पहले पैसे मांगे। अच्छा, अब बहुत ध्यान से बताइएगा कितने रुपए मिलेंगे हमको, पैसे कितने मिले? 44। तो कैश अकाउंट में तो 44 लिखे जाएंगे, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया, जितने मिले। ठीक, तो लिख दें कैश अकाउंट आप लोगों की इजाजत से, कैश अकाउंट डेबिट 44,000। 1,000 रुपए हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, कम पैसे मिले ना 1,000। इस एक्सपेंसेस का एक स्पेसिफिक नाम है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। कितनी अमाउंट से? 45। यदि इसको 45 से कम नहीं किया तो उस अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। अब जरा इस ट्रांजेक्शन को एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन में कर दिखाता हूं। हमारे डेटर में कोई राम होगा कितने रुपए से? 45। ठीक है,
कैश कितने आए, यहाँ कितने लिखूंगा 44. अब यहाँ कितने कम करूं 44 कम करूं तो मालूम है क्या होगा, 1000 रुपए बैलेंस दिखाएगा, पैसे भी 5 दिन पहले ले आए, 1000 बैलेंस भी रखा, 2 महीने बाद याद नहीं रहा, फिर पहुंच गए उसके यहाँ 1000 रुपए लेने, फिर सोचो क्या हाल होगा हमारा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा 45 से खत्म करिए। तो देखो हमने पूरा 45 से खत्म किया, और यहाँ पर फिर क्या होता है, कैपिटल में से 1000 कम, अकाउंटिंग इक्वेशन में तो एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस करते हैं, लेकिन एंट्री करते समय कैश, ये कंपाउंड एंट्री है। देखो दो ट्रांजेक्शन है ये, अलग अलग, कैसे अलग अलग, कैश अकाउंट डेबिट टू राम 44,000, ये एक ट्रांजेक्शन, दूसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम 1000। लेकिन इस ट्रांजेक्शन को ऐसे ही करते हैं कंपाउंड, ये हमारे एक ट्रेडिशन है, इसको अलग अलग आपको कभी नहीं करना है। कैश और डिस्काउंट ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, कैश डेबिट हो रही होगी तो डिस्काउंट डेबिट। अब मान लीजिए कोई पहले एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, ये राम अकाउंट है, आपको याद है ना अकाउंट तो अलग होता है, तो इसमें राम अकाउंट को सेल किया तो कहां लिखा, यहां राम क्रेडिट हुआ तो कहां लिखा, राइट, यहां राम क्रेडिट हुआ 44 और 50 50, ना कुछ लेना ना कुछ देना, क्लियर। अब एक ट्रांजेक्शन हम इसी का रिवर्स करते हैं, ठीक है, अब जरा ध्यान से देख, इसको भी लिखा रहने देता हूं। अब दूसरा ट्रांजेक्शन, पेड टू मोहन रुपीज 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 50,000। हाँ जी, तो अब जरा देखिए पेमेंट की है, मोहन हमारी क्या रही होगी, लायबिलिटी, लायबिलिटी को खत्म कर दी, कितने से खत्म करूं लायबिलिटी को, पूरे 50,000 से, मोहन अकाउंट डेबिट 50, पैसे कितने दिए, मनी 49, टू कैश 49, टू डिस्काउंट, अब ये इनकम है हमारी, ये रेवेन्यू अकाउंट है, ये वाला एक्सपेंसेस अकाउंट था, ये रेवेन्यू अकाउंट है 1, ये भी कंपाउंड एंट्री, ये भी कंपाउंड एंट्री। डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट, एक बात हमेशा याद रखना है, कैश और डिस्काउंट दोनों साथ में होते हैं, या तो साथ में डेबिट हो रहे होंगे या दोनों साथ में क्रेडिट, ऐसा कभी नहीं होता कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा हो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट, दोनों साथ में, इन दोनों को अलग अलग मत करना भाई, ये बेस्ट फ्रेंड है, कैश और डिस्काउंट बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब किसी बच्चे का बचपन से शौक रहा हो फिल्में देख के कि उसे विलन बनना है बड़ा होके, तो उसकी बात अलग है, नहीं सर हमारा वहां तो शौक शायद पूरा हो या ना हो, इन दोनों को तो हम अलग करके मानेंगे, विलन का यही काम होता है ना, दोस्ती में दरार डालना, तो भाई ये तो हम करेंगे सर, बचपन का सपना था हमारा, ठीक है, ये फ्रेंड है बेस्ट, इनको अलग अलग नहीं करना है, और अलग अलग किया तो मैं यही मानूंगा जो मैंने अभी बोला है, भाई आपका बचपन का सपना था जो यहाँ पर आकर पूरा हो रहा है, ठीक है। कंपाउंड एंट्री समझ आई, कंपाउंड एंट्रीज में इसके बाद आती है एंट्रीज रिलेटेड टू बैड डेट्स, डेट मतलब उधार, जो बैड मतलब बेकार हो रहा है, अब वो आपको रिसीव नहीं, राइट। तो इसमें कैसे अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन बनाए जा सकते हैं देखिए, मिस्टर राम हु ओज, ओज का मतलब हमें उससे पैसे लेने या उसे देने हैं,
राम हु ओज रुपीज 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम हिज एस्टेट. क्या मतलब है इसका भाई? राम से कोई 20,000 रुपए लेने से वो इंस्टॉलमेंट हो गया, अब उससे कुछ एस्टेट मतलब उसकी पूरी संपत्ति वगैरह बेचकर भी कुछ मिलने वाला नहीं है, वो पैसे खत्म हो गए हमारे. तो देखिए अब राम अकाउंट को बुक में रख के कोई फायदा है? नो. अब उससे कुछ पैसे आने नहीं, उसे खत्म करिए. डेटर है उसका डेबिट बैलेंस रहा होगा. यस सर. तो अब उसे क्रेडिट कर देंगे और ये हमारा हो गया एक लॉस. लॉस और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट. तो क्या एंट्री करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. और बैड डेट्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट. टू राम राइट. अब इसी एंट्री को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. मिस्टर राम हु ओस रुपीस 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. उसका सब सामान बेचकर हमको 40% अमाउंट 40% अमाउंट हमको मिला, बाकी के पैसे डूब गए. अब ये बन गई है कंपाउंड एंट्री. ये कंपाउंड एंट्री नहीं थी लेकिन अब बन गई कंपाउंड एंट्री. क्यों? कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए मिले? 40% 8,000. बाकी के पैसे डूब गए. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 12 और राम अकाउंट को तो अब अपनी बुक में से खत्म करिए. ये हो गई एक कंपाउंड एंट्री. इसको कंपाउंड ही करना है. कैश अकाउंट डेबिट जितने पैसे मिले, जितने डूब गए वो हमारा लॉस हो गया. और डेटर अकाउंट को पूरा बुक में से क्लोज कर. इससे रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन और होता है, वो भी कर लेते. मान लीजिए ये जो राम है, अच्छा 4-5 साल बाद इसने किसी कोई दूसरे बिजनेस किया होगा, चल गया होगा और आदमी अच्छा था, वापस से पैसे देने आया जो डूब गए थे 12. ठीक है, इसके पास 6,000 रुपये 7,000 रुपये हो गए इसके पास और ये हमको वो 7,000 रुपये दे गया डूबे हुए पैसे, जिसको हमने मान लिया था खत्म लॉस हो गया, वो वापस आ गए 7,000. अब क्या करूं, क्या एंट्री करूं? आपको पता है कैश आए हैं तो डेबिट तो कैश को करना ही है, ये मत भूलिए. सेकंड क्रेडिट सोचना है, डेबिट तो सोचना ही नहीं. पैसे आए हैं ना, डेबिट होगा. तो पहले ट्रांजेक्शन लिखूं, राम रिसीव रुपीज 7,000 from Ram against a debt which was previously written off as bad. 7,000 Ram से मिले. ये कोई वो डेट था जो पहले हमने बुक में से खत्म कर दिया था. रिटर्न ऑफ मतलब खत्म कर दिया था. अब क्या एंट्री करें इसकी? मैंने आपको कहा कि कैश अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि हमें मिले हैं 7,000. अब क्रेडिट किसको करूं? सोचिए, बैड डेट्स को क्रेडिट करूं तो ठीक है कि वह हमारा जो खर्चा था वो कम हो गया, 7,000 से लॉस कम हो गया. पहली बात तो राम तो बिल्कुल नहीं आ सकता. क्यों? वो तो हमारी बुक में था ही नहीं.
अब तुमने राम को क्रेडिट कर दिया ना, तो इसका ये मतलब निकलेगा जैसे राम से मेरे को उधार मिला हो, क्योंकि राम क्रेडिट में, क्रेडिट इंक्रीज होगा मतलब लायबिलिटी बन जाएगी वो, तो राम तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरी बुक में है भी नहीं। अब मुझे अपने लॉस को कम करना है, जैसे आपने कहा बैड डेट्स को कर दूं, लेकिन मैंने आपको ये याद है बताया ना, जितने एक्सपेंशन और रेवेन्यू होते हैं ना टेम्परेरी होते हैं, साल के आखिर में क्लोज हो जाते हैं, तो साल के आखिर में क्लोज हो गया होगा बैड डेट्स अकाउंट, वो है ही नहीं अपने पास। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, सिर्फ एक नाम या समझ लीजिए रिकवर्ड बैड डेट्स, रिकवर्ड पुराने पैसे जो डूबे हुए थे वो आ गए, और इसको अब मान लेते हैं एक रेवेन्यू अकाउंट। पहले खर्चा माना था तो अब इनकम मान लिया, और क्या करें, है नहीं इनकम, लेकिन पहले क्योंकि खर्चा माना था, खर्चे का कम होना भी अपने आप में इनकम है, रेवेन्यू है, और रेवेन्यू क्या होते हैं क्रेडिट, याद है। तो बैड डेट से रिलेटेड ये तीन ट्रांजेक्शन हमारे हो गए, ये बार बार रिपीट होने वाले ठीक है भाई। अब हम लेते हैं जो ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, आपको पता है सरकार कहती है भाई ज्यादातर ट्रांजेक्शन आप बैंक के थ्रू करो, ठीक है। तो अब बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, तो देखिए हेडिंग डाल दीजिए आप ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक। तो बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा कि हम अपना बैंक में एक अकाउंट ओपन करेंगे, और उसे कहते हैं करंट अकाउंट। बिजनेस का जब अकाउंट ओपन करते हैं तो उसे करंट अकाउंट कहते हैं, पर्सनल जो हमारे अकाउंट होते हैं इंडिविजुअल उन्हें सेविंग अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो हमको जैसे ट्रांजेक्शन ऐसे लिखा हो सकता है, ओपन ए बैंक अकाउंट विद रुपीज 1 लाख, बैंक में अकाउंट ओपन किया, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अब हमारी एक एसेट है, समझ लो कैश की जगह बैंक आ गया, बिजनेस में हमारे जो पैसे थे वो बैंक में हमने जमा किए 1 लाख, और कैश क्या हो गई बिजनेस की कम, रियल लाइफ में तो उनका नाम लिखते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में ओपन किया है तो पीएनबी एसबीआई ऐसे, ये बैंक में हमारी अमाउंट, ये मतलब ऐसे बैंक भी समझ लो इसका सब कुछ कैश के तरीके का ही अकाउंट है, क्लियर है भाई, बैंक में अकाउंट ओपन। अब इसके बाद अब जैसे बैंक में से आपको पता है हमको चेक देना, किसी को चेक दिया हमने राइट, अब चेक दिया तो क्या एंट्री करेंगे, इशू ए चेक ऑफ रुपीज 20,000 इन फेवर ऑफ राम, राम को चेक दिया 20,000, अब बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा कम, एसेट कम करनी है तो क्रेडिट करनी पड़ेगी, राम को चेक दिया है तो लायबिलिटी रही होगी तो लायबिलिटी को कम करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये क्या है ऐसे, क्लियर सी बात है, राम को चेक दिया लायबिलिटी कम हो गई, बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैश देते तो राम टू कैश करते, चेक दिया तो राम टू बैंक कर दिया, क्या फर्क पड़ गया, क्लियर पक्का। इसके बाद रिसीव ए चेक फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक चेक हमको मोहन से मिला
और हमने अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया, तो फिर बैंक को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और मोहन का बैलेंस क्या हो गया? कम पैसे आ गए टू मोहन अकाउंट, राइट? क्लियर है सबको? अब जरा और ध्यान से देखिएगा, अब एक ट्रांजेक्शन को हम ले रहे हैं, उसमें डेट भी मैं ले रहा हूं, ठीक है? समझ लीजिए अप्रैल 20 रिसीव ए चेक ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम राम। अप्रैल 22 चेक रिसीव फ्रॉम राम डिपॉजिटेड इनटू। अब जरा देखिए, ये जो चेक रिसीव हुआ 50,000 का राम से, वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। कौन सी तारीख को? 20। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कैसे करो? बैंक में तो भी डिपॉजिट ही नहीं किया। हाँ। और मोहन सॉरी राम, वो तो कहेगा मेरे अकाउंट को तो आज ही क्रेडिट करो भाई, मैंने पैसे दे दिए, चेक हमारे यहाँ पैसे के बराबर ही आना जा रहा है। ठीक, मोहन कहेगा, राम कहेगा मेरे अकाउंट को क्रेडिट करो, ठीक है राम को क्रेडिट कर देंगे, पर डेबिट किसको करूं क्योंकि बैंक में तो अभी डिपॉजिट किया नहीं। तो इसकी एंट्री हम क्या करते हैं? चेक इन हैंड अकाउंट। पहले कभी से कैश अकाउंट करते थे, ठीक है, क्योंकि चेक को कैश के बराबर माना जाता है, लेकिन आजकल देखिए नई एंट्री हम करते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। कौन सी तारीख को? अप्रैल 20। अब 22 को फिर से एक एंट्री और करनी पड़ेगी। अब ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो बैंक के बैलेंस को क्या कर देंगे? इंक्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन। तो आपको जब भी कोई चेक रिसीव हो तो पहले चेक करना है कि वो सेम डे डिपॉजिट हुआ या नहीं। सेम डे डिपॉजिट हुआ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट एंट्री कर दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट जिससे चेक मिला। पर सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है, और कई बार एक प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में, खाली तुमको ये लिखा हो कि रिसीव ए चेक और आगे कुछ नहीं लिखा, तो आपको कम से कम 2-3 दिन 4 दिन आगे तक देखना चाहिए कि उसके डिपॉजिट के बारे में कुछ बताया गया है कि नहीं। मान लो डिपॉजिट के बारे में कुछ बताया ही नहीं, आगे तक भी देख लिया आपने, तो मान लो सेम डे डिपॉजिट हो गए, फिर नहीं, फिर हम उसी दिन बैंक अकाउंट डेबिट कर। तो इसीलिए ये थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको लिखना चाहिए क्वेश्चन ये डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब अब जैसे मैंने पहले तो यही लिखा था ना, रिसीव ए चेक एंड डिपॉजिट, तो उससे पता लग गया। मान लो खाली रिसीव ए चेक लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा, तो पहले आप 2-3-4 दिन तक के ट्रांजेक्शन और देख लीजिए आगे कि उस चेक के डिपॉजिट के बारे में कुछ बताया गया है कि नहीं। बताया गया है तो मान लेंगे कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट हो गया है। क्लियर है? चेक बैंक के अंदर डिपॉजिट, आपको चेक के बारे में आइडिया है ना? यस सर। कोई उसमें तो प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद मान लो हमको कोई चेक आया, जैसे यही हम ऊपर वाली चेक की बात कर रहे हैं, 50,000 का जो चेक राम से मिला था, ये डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, पता है ना? यस सर। पैसे नहीं थे उसके अकाउंट में, चेक इशू हो गया, ठीक है, डिसऑनर मतलब चेक की बेइज्जती हो गई, क्या कर रहे हैं? तो चेक रिसीव फ्रॉम राम डिसऑनर। ठीक है, उसने हमको पीएनबी का चेक दिया था, हमारा अकाउंट एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेक डिपॉजिट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी से पैसे लेने गया, पीएनबी ने बताया कि भाई इस आदमी के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, धक्के मार के निकाल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को,
तो फिर अब क्या करें बोलो। देखो जब हमको चेक मिला था हमने क्या एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, बैंक के बैलेंस को बढ़ा लिया था और राम से पैसे मान लिया था आ गए, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। उस एंट्री को क्या कर दीजिए, रिवर्स, मतलब राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक इन हैंड से चेक इन हैंड तो पहले ही खत्म हो गया था, याद है ना, हमने अल्टीमेटली राम को क्रेडिट किया था, कम कर दिया था तो वापस से अपना डेटर बना लिया, फिर पैसे मान लिया था आगे तो डेटर कम कर दिया था, लेकिन पैसे तो आए नहीं, फिर से डेटर बनाया और बैंक में जो बैलेंस को बढ़ा लिया था उसे वापस कम कर। क्लियर है भाई चेक के बारे में? आगे इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय बैंक, यह इंटरेस्ट से पहले बैंक चार्जेस लेते हैं। क्या होता है, बैंक जब हम अकाउंट खोलते हैं ना, करंट अकाउंट, उसमें बैंक को कोई खास फायदा थोड़ी ना होता है, हम तो अपने पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, तो बैंक उस पैसे को लोन पे तो दे नहीं सकता। तो बैंक कहेगा कि मेरे को मिल क्या रहा है तुम्हारा अकाउंट रखने में, तवज्जो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हारे चेक आते हैं वो आता है, तो इसके लिए वो कई हमसे एक्सपेंसिव लेता है, अलग अलग हेड के अंदर एक्सपेंसिव। और बैंक जब हम बैंक का वो साइन करते हैं ना डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा होता है भाई जैसे भी ये खर्चे वर्चे होंगे मैं आपके अकाउंट में से अपने आप कम कर लूंगा, बैंक अपने आप कम कर लेता है वो खर्चे हमारे अकाउंट में से, तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा उससे कम कम हो जाएगा। और ये हम इसको क्या नाम देंगे, बैंक चार्जेस, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है भाई? इसके बाद इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक क्या होता है, आजकल है ना जैसे हम किसी कंपनी के किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, अभी डिबेंचर जरा एक्सप्लेन करने हैं, बस ऐसा मान लीजिए कि शेयर खरीदे तो डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर खरीदे तो इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं इसको इंटरेस्ट और डिविडेंड, और हमारे बैंक अकाउंट में आके डायरेक्ट जमा हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए इनकम है, उससे क्या हो जाता है हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। तो क्या एंट्री करनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव, और ये कौन सा अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट, इनकम है ना हमारी, हमको मिले हैं इंटरेस्ट या डिविडेंड हमको मिला है। क्लियर हुआ भाई? ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। अच्छा, बैंक से कैश विड्रॉ की, बैंक से कैश विड्रॉ की, तो क्या एंट्री करेंगे भाई, ये तो पता होगा आप तो? नहीं नहीं, सब पर्सनल्स के लिए ड्राइंग करते हैं। हमको कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हम जब तक क्वेश्चन ना कहे आपको किसी चीज को पर्सनल यूज के लिए नहीं मानना, किसके लिए निकाली है, ऑफिस यूज, चाहे लिखा है या नहीं लिखा, तो कैश निकाली बैंक से तो कैश अकाउंट, बिजनेस में कैश आई, लेकिन बैंक का बैलेंस क्या हो गया, रिड्यूस, तो कम कर दीजिए। और यही होता वो कैश या विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, समझ आया, ये वो लिखेगा, अपनी मर्जी से कभी नहीं मानना है, यदि कोई पर्सनल यूज के लिए निकाले तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स, इससे हमारे बिजनेस की कैपिटल क्या होती है, कम, कम, तो हमें कैपिटल को कम करना चाहिए। yes, sir.
कैपिटल को कम करूं तो इसका मतलब उसे डेबिट करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये ड्रॉइंग्स तो तकरीबन चलती रहेगी। देखो एक प्रोप्राइटर का यही बिजनेस है मान लो, ठीक है, तो घर खर्चे के लिए पैसे कहाँ से निकालेगा, यहीं से, तो ड्रॉइंग तो चलती रहेगी, तो बार बार कैपिटल को डेबिट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही अकाउंट होते हैं, ड्रॉइंग्स और कैपिटल। तो ड्रॉइंग एक कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग इज नॉट एक्सपेंसिव, पर्सनल एक्सपेंसिव, क्योंकि बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी, हमें उसके पर्सनल एक्सपेंसिव से कोई मतलब नहीं है। तो ड्रॉइंग कभी भी याद रखिएगा एक्सपेंसिव अकाउंट नहीं है, ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट है, राइट। और कैपिटल जब कम होती है तो डेबिट करते हैं, तो ड्रॉइंग को इसीलिए क्या किया, डेबिट, सॉरी ये कैश नहीं, बैंक, क्योंकि बैंक से विड्रॉ किया है। क्लियर है? तो बैंक के ट्रांजेक्शन हम ले रहे हैं। आपको थोड़ा सा चेक के बारे में और भी बता दूं। देखिए जब हम किसी को चेक देते हैं ना, एक तो चेक हम डायरेक्टली दे दें, उस पर आपको पता है और बियरर लिखा होता है, लिखा आपने कभी, मान लीजिए आपने किसी को यूं का यूं वो चेक दे दिया, तो वो आपके आपके बैंक अकाउंट मतलब बैंक में जाएगा और उस चेक को दिखाकर पेमेंट ले सकता है। वो बियरर चेक, बियरर मतलब जिसके पास वो चेक है। लेकिन ये तो बहुत रिस्की है, आपसे कोई गिर जाए तो कोई भी जाके आपके बैंक अकाउंट से पैसे ले ले, तो क्या करें। तो हम और बियरर को काट दो और दो क्रॉस लाइन लगा दो चेक में, क्रॉस लाइन। अब इसका क्या मीनिंग होगा, इस चेक के पैसे आपको सिर्फ बैंक अकाउंट में ही मिलेंगे। मान लीजिए आपने वो चेक आपने राम को दिया और आपका अकाउंट है SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, राइट। अब वो चेक राम को दिया, उसका अकाउंट है PNB में, तो वो अपने PNB बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट करेगा, उसका PNB बैंक आपके बैंक के पास आएगा और पैसे लेगा और उसके अकाउंट में जमा कर देगा। अब काउंटर पे पेमेंट नहीं होगी उसकी, वो चाहे तो आपके बैंक अकाउंट पर जाकर पैसे नहीं ले सकता, अब सेफ हो गए, क्योंकि जिसका बैंक में अकाउंट होगा उसकी तो सारी डिटेल होगी ना बैंक के पास। इसके बाद लेकिन आपको पता है, मान लीजिए मेरे को एक चेक आया मिस्टर राम से, उस चेक को मैं एंडोर्स कर सकता हूँ। ये एंडोर्स क्या होता है, मैं चेक के पीछे लिखूंगा पे टू श्याम, चेक के पीछे, और अपने साइन कर दूंगा, ये चेक उसको दे दिया, वो चाहे अब वो अपने बैंक अकाउंट में उसे जमा कर सकता है। मान लीजिए श्याम और लिखता है उस पे टू मोहन और आगे दे दिया, ऐसे चेक का एंडोर्समेंट किया जा सकता है आगे आगे। बहुत चेक के पीछे जगह नहीं बचे ना, तो एक पेपर लो सिंपल, आधा साइन चेक पर करो और आधा उस पेपर पर, फिर और आगे भी कर सकते हो। लेकिन यह भी एक रिस्की मैटर बन जाता है, पता नहीं किसके हाथ में वो चेक पहुंचेगा आखिर में। तो आप ना दोनों चेक के बीच में पेज अकाउंट ओनली लिख दो, पेज अकाउंट ओनली, शॉर्टकट में लोग A/P लिख देते हैं। क्रॉस लाइन के बीच में यदि आपने अकाउंट पे या पेज अकाउंट ओनली लिख दिया, अब इस चेक को एंडोर्स नहीं किया जा सकता। पेपर जिसका नाम आगे लिखा है ना, बस उसी को उसकी पेमेंट मिलेगी, उसके ही बैंक अकाउंट में, आगे नहीं दे सकते हम इसको। तो जनरली हमसे कहा जाता है कि आप किसी को चेक दें तो अकाउंट पे ही वाला चेक दें, ताकि चेक के एंडोर्समेंट ना हो और उसका मतलब कोई मिसयूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाए, राइट। लेकिन फिर भी यदि एंडोर्समेंट करें तो उसकी जर्नल एंट्री बुक में क्या होगी, ये अब हम कर रहे हैं। तो देखिए, रिसीव ए चेक फ्रॉम राम ₹10,000 एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ श्याम। आपको राम से चेक मिला और आपने श्याम को क्या कर दिया, एंडोर्स। अब ये चेक आपके बैंक में तो डिपॉजिट हुआ ही नहीं, तो बैंक अकाउंट तो आ ही नहीं सकता। तो क्या करूं मैं, ये चेक रिसीव हुआ तो मैं एक एंट्री करूंगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 10,000
टू राम, और जब ये चेक मैं शाम को दूंगा, शाम अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये चेक मैंने उसे दे दिया। अब देखिए, आप कह सकते हैं सर इसकी एक एंट्री भी कर सकते थे, शाम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, लेकिन कभी फ्यूचर में देखेंगे ना तो पता नहीं लगेगा ये ट्रांजेक्शन किस बारे में था, तो जनरली इसको ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, और डेट अलग अलग हुई तो ऐसे करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसे हमेशा ऐसे ही करेंगे। चेक इन हैंड, चेक आया हमारे पास, वो चेक हमने बाहर की बाहर शाम को दे दिया, राइट। और अभी जैसे मैंने इंटरेस्ट कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्टेड के बारे में बताया था, तो आपको मैं बता दूं, आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, भले शेयर के बारे में ज्यादा ना, मैंने वैसे एक दिन क्लास ली थी शेयर की भी, तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर लिया आपने, अब शेयर जब आपने लिए तो आपको उसके बदले में डिविडेंड मिला है, लेकिन आजकल है ना, जब आप शेयर के लिए एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसे डीमैट अकाउंट कहा जाता है, जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो वहां पर अपना एक बैंक अकाउंट भी देना पड़ता है, और उस बैंक अकाउंट में आपकी अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाती है, तो इसीलिए वो हमने एंट्री की थी कि भाई डिविडेंड कलेक्ट हुआ तो बैंक में डायरेक्ट कलेक्ट हो जाएगा, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देगा और डिविडेंड इनकम आपके लिए इनकम होगी, तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। अब इसके बाद बैंक में ये तो आपको पता लग गया कि भाई हमारा बैलेंस होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि बैंक में हमारे पैसे ही ना हो और फिर भी हम निकाल सके? आप समझ रहे हैं, बैंक में तुम्हारे पैसे नहीं है तुम निकाल सकते हो, एक फैसिलिटी होती है जिसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या बोलते हैं बैंक, ये कैसी फैसिलिटी है, ये लोन लाइक फैसिलिटी है, लेकिन कंप्लीट लोन भी नहीं कह सकते, इसमें क्या है, आप एक अंदाजा लगाते हो कि भाई आपको कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, हमेशा नहीं पड़ती, 10 लाख रुपए कभी पड़ती भी है कभी नहीं, ठीक है, तो आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि आप हमारी एक विड्रॉवल, पैसे निकालने की लिमिट बना दीजिए 10 लाख रुपए की। अब ये उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट, बैलेंस शीट, अपनी प्रॉफिट लॉस वगैरह सब बैंक आपका सब वो देख कर ही आपको वो लिमिट सैंक्शन करेगा, और उसके अलावा भी कुछ सिक्योरिटी लेगा, ऐसे नहीं दे देगा किसी को बैंक। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है क्या, ये कैसे काम करती है, मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की लिमिट बना दी, अब आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए, बैंक से आपके पैसे नहीं थे तो बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो बैंक अब एक लायबिलिटी बन गई, बैंक क्या बन गई, लायबिलिटी, ओवरड्राफ्ट हो गया। इस ओवरड्राफ्ट कैसे काम करता है, 1 लाख रुपए लिए तो अब आपको एक दिन पर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगले दिन भी आपने उसे डिपॉजिट नहीं कराए तो फिर से 1 लाख पर इंटरेस्ट, अब तीसरे दिन आपने 1 लाख रुपए और निकाल लिए तो अब 2 लाख पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगले दिन आपने 50,000 डिपॉजिट कर दिए तो आपको 150 पर, तो मतलब डेली बेसिस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, डेली बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, राइट। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे 10 लाख रुपए एक साथ में निकालें, आपकी मर्जी है, जितना आपको काम है, आपको क्या बेनिफिट है इस फैसिलिटी का, जितने का काम है केवल उस पर इंटरेस्ट आपको पे, एक लोन लिया वो तो आपने एक साथ ले लिया तो आपको हर समय इंटरेस्ट देना है उसका, लेकिन इसके अंदर जितने पैसे आप बैंक के यूज करेंगे केवल उतनी अमाउंट का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, तो बैंक फिर आपको उस बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, चार्ज कैलकुलेट डेली बेसिस पर करेगा, लेकिन लगभग हर 3 महीने में वो इंटरेस्ट आपको बैंक, और वो इंटरेस्ट अब बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो बैंक आपसे पैसे नहीं मांगता, वो तो आपके अकाउंट में कम कर देता है, ठीक है। तो उस इंटरेस्ट की एंट्री हम क्या करेंगे, देखिए, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, क्या एंट्री हुई, इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन क्या बना, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंसिव फॉर अस हियर, इंटरेस्ट हमारे लिए यहां एक एक्सपेंसिव है टू बैंक अकाउंट, बैंक में से हमारा बैलेंस क्या हो गया, कम, क्लियर है भाई सबको, तो जब बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो तो डेबिट और बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो तो क्रेडिट, क्लियर है भाई, तो ये हमारे बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गए।
क्लियर है भाई? हमने परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए, सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए, कैश रिसीव हुई डेटर से पेमेंट की क्रेडिटर्स को, ये सारे ट्रांजेक्शन हमने किए और अब बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए। अब हम कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं। अभी हमने जैसे फिक्स एसेट परचेज की, तो याद है आपको क्या एंट्री करी थी फिक्स एसेट परचेज की? फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। मशीन अकाउंट, मशीन परचेज की तो मशीन अकाउंट, एयर कंडीशनर तो एयर कंडीशनर। अब हम कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे ले रहे हैं जब हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उस पर कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। आपने एक मशीन परचेज की, तो ये तो नहीं है ना कि मशीन परचेज की और आके एकदम से चालू हो गई। हो सकता है वो मशीन चालू का, पहले तो मशीन आप लेकर आएंगे, उसका फ्रेट लगेगा। हो सकता है आपको मशीन को अपने यहाँ इंस्टॉल कराना पड़े, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव लगेंगे, राइट? फ्रेट लग सकता है, वेजेस लग सकते हैं। मान लीजिए कोई मशीन आपने लंदन से इंपोर्ट की, अब तो बहुत सारी पहले लंदन फैक्ट्री से जाएगी शिप पर, उसका भाड़ा या फ्रेट लगेगा। शिप से बॉम्बे तक आएगी या किसी और पोर्ट पर आएगी, फिर वो शिप का टोटल फ्रेट लगेगा, इंश्योरेंस चार्जेस लगेंगे, राइट? बॉम्बे पोर्ट पर आ गई तो वहाँ एक एजेंट बैठा होगा, उसको क्लियरिंग ये डॉक्यूमेंट रिलीज कराने के एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। फिर बॉम्बे से दिल्ली आएगी, ठीक है, फिर दिल्ली से हमारी फैक्ट्री पर आएगी, फिर फैक्ट्री में उसका इंस्टॉलेशन वगैरह, मतलब जब तक वो मशीन चालू नहीं होती बहुत टाइप के एक्सपेंसेस हमको पे करने पड़ सकते हैं। तो क्या मैं उन्हें एक्सपेंसेस ट्रीट करूं? नो, हम उन्हें भी फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। सारे एक्सपेंसेस को हम फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो मतलब ऑल एक्सपेंसेस, देखिए जरा बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िएगा, ऑल एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग ए फिक्स एसेट इन इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। ये लोकेशन एंड कंडीशन को एक और रेडी टू यूज, जब तक आपकी वो फिक्स एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाती तब तक सारे एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट में ऐड करते रहे। देखिए जैसे है ना, हमको इसके एग्जांपल पढ़ाए जाते हैं, पहले तो मैं एक दो एग्जांपल ले लूं। जैसे वेजेस पे फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो क्या एंट्री करेंगे? यदि गुड्स के लिए वेजेस पे किए, जैसे गुड्स अनलोड करने के लिए वेजेस पे किए, वेजेस समझते हो ना, मजदूरी, तो हम वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, वेजेस इज एन एक्सपेंसेस। लेकिन मशीनरी के लिए पे किए हैं तो वेजेस अकाउंट नहीं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? मैंने अभी क्या कहा आपको, इनकी कॉस्ट में एड कर दी मशीनरी टू। मान लीजिए फ्रेट पे किया होता तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई ऐसा टैक्स जो नॉन रिफंडेबल हो, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी पे की, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। उसमें से कुछ रिफंड हो तो बात अलग है, उसे ऐसे ट्रीट करेंगे। लेकिन कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्स, पता नहीं कितने टाइप के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये कोई लिमिट नहीं है उसकी। मान लीजिए ये मशीन जो है ये बहुत ही ऑटोमेटिक और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है, इसको चलाने के लिए हमको अपने स्टाफ को कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ी, तो एक ही बार के एक्सपेंसेस है, वो ट्रेनिंग
कि जो खर्चा आएगा दैट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन. हो सकता है मशीन को पहले ट्रायल पे चलाना पड़े, तो ट्रायल में जो भी खर्चा होगा एडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन. क्लियर है? वो हर एक्सपेंसिव जब तक ये मशीन रेडी टू यूज नहीं हो जाती, भाई बटन दबाया और चालू, तब तक के सारे एक्सपेंसेस इसकी कॉस्ट में ऐड करने पड़ेंगे. रॉ मटेरियल शुरू में खत्म, मतलब ट्रायल रन में रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, एक्सपेंसिव नहीं, मशीन की कॉस्ट में ऐड करा दी. मेट्रो आती है दिल्ली के अंदर, आपको मालूम है पहले कमर्शियल चलने से पहले ट्रायल पे चलती है. yes, sir. अब इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें भी कंज्यूम होती है, तो दैट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ मेट्रो, नॉट इलेक्ट्रिसिटी बिल, जब तक वो कमर्शियली स्टार्ट नहीं होती. मान लीजिए हमने एक प्रॉपर्टी परचेज की, दुकान अपने लिए एक शॉप परचेज की, तो आपको मालूम है जब आप शॉप परचेज करते हैं तो कितने टाइप के एक्सपेंसेस हो सकते हैं. प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन पे की, स्टैम्प ड्यूटी लगी, ऐसे और बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, सब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पे आए. राइट? आप शॉप में आए, पहली बार देखा यार ये तो टूटी फूटी हो रही है, तो उसमें सब आपने क्या कराया, पेंटिंग कराई, ठीक है, सब व्हाइट वॉश कराया, सब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश. अगले साल फिर से व्हाइट वॉश कराए, अब मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, अब एक्सपेंसिव है, अब यूज कर चुके हैं, अब बिल्डिंग अकाउंट टू कैश नहीं. एक पुरानी कार खरीदी दुकान के लिए, हम वैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कहा है हर ट्रांजेक्शन को बिजनेस का मानना है, तो पुरानी कार खरीदी अपने बिजनेस के लिए. अब आपको मालूम है जब कोई आदमी पुरानी कार खरीदता है तो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग रिपेयर शेपेयर करा के फ्री, पहली बार जो भी खर्चा हुआ ऐसा वो सब कार की कॉस्ट में ऐड कर दो. एक हफ्ते बाद कार फिर से खड़ी हो गई चलाने के बाद, रिपेयर के चार्जेस फिर लग गए, अब कार अकाउंट डेबिट नहीं, अब रिपेयर अकाउंट या मेंटेनेंस अकाउंट. एक बार यूज में आ गई उसके बाद के खर्चे एक्सपेंसेस अकाउंट लिखे जाएंगे. लेकिन जब तक कोई एसेट रेडी टू यूज नहीं होती तब तक के सारे एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं. जनरली नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, उस एसेट पर एक ही बार लेते हैं. क्लियर? इसके एग्जांपल बहुत सारे दिए जा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती. इसीलिए आपको क्या समझना है, नेचर पे किस टाइप के. मान लीजिए आप आज आजकल आप कहीं भी बाहर जाते हो तो कितनी जगह टोल टैक्स लगता है, तो मशीन आ रही है तो या फर्नीचर आ रहा है तो सारे टोल टैक्स उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे. क्लियर है ना? सर जैसे अगर एक मशीन हमने खरीदी उसको यूज किया उसके बाद हमारी फैक्ट्री सेटअप करनी दूसरी जगह, तो फिर जो रिप्लेसमेंट का खर्चा दैट शुड बी ट्रीटेड एक्सपेंसेस. अब मशीन यूज में आ चुकी थी, ये तो कोई मतलब जिसे कहते हैं ना ऐसी सिचुएशन आ गई तो उसको एक्सपेंसेस ट्रीट करना पड़ेगा. मतलब अब इस देखो एक बहुत छोटी सा एग्जांपल लेता हूं कि क्यों हमको ऐसा करना चाहिए. आप मुझे बताइए, समझ लो लंदन में वो लाख रुपए की है और सारे खर्चे बहुत इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह मिलाकर दिल्ली में आके 2 लाख की पड़ गई. यदि मैं कहूं कि ये मशीन 1 लाख रुपए की है तो बेवकूफी सी वाली बात नहीं लगती. जब दिल्ली में आके पड़ी मेरे को 2 लाख रुपए की, तो उसकी 2 लाख रुपए की कॉस्ट है भाई. राइट? अब तो मान लो, समझ लो मैं कहूंगी भाई तुम जींस खरीदने जाते हो सीपी नॉट प्लेस, अब 1000 रुपए की जींस खरीदने हैं और 200 रुपए वहां जाने आने का खर्चा हो जाए, तो तुम यदि कहोगे मेरे को ये जींस 1000 रुपए की पड़ी है तो बेवकूफी वाली बात है. और किसी पर्पस से नहीं, तुम और उसी पर्पस के लिए गए थे. वही चीज तुमको यहाँ 1000 रुपए में मिलेगी तो यहां खरीदोगे ना तुम. बिल्कुल सेम टू सेम, क्यों खर्चोगे 200 रुपए? तो मेरे को उसकी कॉस्ट में ऐड कर लेने चाहिए ना, देखा जाए तो. नहीं तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा. अब एग्जांपल एक ही काफी है सबके लिए, एक ही. फर्नीचर के लिए फ्रेट किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश. क्लियर है? ऑल फिक्स एसेट रेडी टू यूज, ये वर्ड याद रखिएगा, रेडी टू, क्योंकि प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन जरा आप लोगों को शायद उतना फेमिलियर ना लगे, लेकिन रेडी टू यूज बहुत आसान वर्ड है. इसको समझ लीजिए कि भाई जब तक कोई फिक्स एसेट आपके रेडी टू यूज कंडीशन में नहीं आ जाती उस पर होने. अब ऐसा नहीं है ना कि एसेट हम खुद भी तो बना सकते हैं, एसेट हम खुद भी बना सकते हैं. कैसे?
मान लीजिए फर्नीचर है, ठीक है, हमारी लकड़ी की दुकान है खुद की, लकड़ी की दुकान ली, लकड़ी ली और लेबर वेबर लगा के फर्नीचर खुद बना लिया, तो जब तक वो फर्नीचर रेडी टू यूज नहीं हो जाता, सारे खर्चे उस फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड करने पड़ेंगे। yes. जरूरी थोड़ी ना हमको एक गोडाउन बनाना है, जमीन खरीद के गोडाउन हम खुद बना रहे, तो सारे जो सामान खरीद रहे हैं और जो सब खर्चे हैं लेबर के, सब उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे गोडाउन की। क्लियर है भाई सबको? yes, तो कोई भी फिक्स एसेट जब हम परचेस करते हैं, इन सबको मिलाकर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। और ये सब किसकी कॉस्ट में ऐड हो जाए, और ये बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बस आपको तो ये चेक करना है क्या ये एक्सपेंसेस आपके फिक्स एसेट को रेडी टू यूज बनाने में किए हैं, तो ये उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। राइट? हाँ जी। अब इसके बाद हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक पर, एक ही हो गई। मैंने एक वर्ड बोला था आपको याद हो तो, कि परचेस अकाउंट जनरली डेबिट होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब इसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो अब हम वो सर्कमस्टेंसेस लेंगे जब हमको परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी। तो क्या हेडिंग डालेंगे? ट्रांजेक्शन वेयर परचेस अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखिए परचेज अकाउंट एक स्पेशल टाइप का एक्सपेंसेस है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। रियलिटी में देखा जाए तो जब गुड्स परचेस किए हैं उस समय एकदम एक्सपेंसेस कहां होते हैं, सिर्फ हम ट्रीट करते हैं उसे एक्सपेंसेस। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सेल को रेवेन्यू ट्रीट करते हैं। yes, तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, अल्टीमेटली आखिर तक परचेस अकाउंट में केवल वो गुड्स रहने चाहिए जो अल्टीमेटली सेल हो गए, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है। राइट? yes. वो परचेस एक्सपेंसेस है जो अल्टीमेटली वो जो गुड सेल में है ना परचेस अकाउंट में उसकी कॉस्ट है। जो गुड्स आपने बेचे हैं, मान लो एक मोबाइल आपने बेचा 12,000, वो मोबाइल खरीदा था 10,000 का, तो वो 10,000 की कॉस्ट किसमें इंक्लूड है? परचेस अकाउंट में। और सेल अकाउंट में 12 में से 10 लेस किए 2,000 प्रॉफिट आ जाएगा मान लीजिए। लेकिन कुछ गुड्स आपके सेल ही नहीं हुए लेकिन फिर भी खत्म हो गए, गुड सेल नहीं किए फिर भी गुड्स डिक्रीज हो गए, कैसे कैसे हो सकता है बताओ? We have drawn the goods for personal use. हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब हमारी स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है, बच्चों के लिए स्टेशनरी, अब बाजू वाले से थोड़ी ना खरीदेंगे बच्चों के लिए स्टेशनरी। अब तुम कहो नहीं सर विद्या से जो सेपरेट एंटिटी आप ही ने कहा था तो हम तो बाजू वाले से ही खरीदेंगे। अरे भाई अपने यहाँ से खरीद लो, ठीक है, कैपिटल अकाउंट को कम कर दो, कम तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हिसाब बिल्कुल अलग अलग रखना है, मालिक मालिक होगा लेकिन हिसाब बिल्कुल अलग रखना है। लेकिन मान लीजिए जो गुड्स आपने विड्रॉ कर लिए वो सेल तो नहीं हुई, ये बात 100% श्योर है। yes, तो इसीलिए उन्हें परचेस अकाउंट से हटाना है। हटाना मतलब परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो डेबिट किसको करूं? क्योंकि उस ऑनर के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ऑनर का कौन सा अकाउंट है हमारे पास? अब इसके लिए ड्रॉइंग्स आपको याद है ना, क्योंकि बीच बीच में जब निकालते हैं, चाहे पैसे निकालो चाहे गुड्स निकालो, तो ड्रॉइंग, हाँ, साल के आखिर में से कैपिटल में से कम कर देंगे। लेकिन अभी के तो पहला क्या हो गया, गुड्स विड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो क्या एंट्री करेंगे भाई? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और एक बात याद रखिए, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, आपको कई बार सेल प्राइस भी दी होगी, राइट? परचेस अकाउंट को डेबिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है, तो क्रेडिट भी हमेशा कॉस्ट प्राइस पर करना है, राइट? और क्या गुड्स के यूज हो सकते हैं अदर देन सेल? हमने आपने कई बार देखा होगा छोटे छोटे पाउच आते हैं, लोग फ्री सैंपल में दे देते हैं,
ठीक है ना, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो देखा जाए तो ये कौन सा खर्चा है? एडवर्टाइजमेंट। तो फिर क्या एंट्री करेंगे? सेकंड, गुड्स विड्रॉन या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो क्या एंट्री हो गई? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। कई बार फ्री सैंपल वर्ड भी लिख देते हैं, लेकिन बेटर है टू परचेज। अब इसमें आप देखिए, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट चेंज होता जाएगा, डेबिट चेंज होता जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर जैसे हमने गुड्स विड्रॉ, अब मान लीजिए हमारी ग्रोसरी की दुकान है, गेहूं चावल वगैरह, बाजार में कोई भंडारा लगा है, अब उसमें हमने चावल गेहूं वगैरह दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे भाई? चैरिटी के लिए, चैरिटी। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर? बस डेबिट बदलता जाएगा, क्रेडिट नहीं बदलेगा। ये गुड्स सेल नहीं हुए, और सोचो और क्या कर सकते हैं गुड्स का, बताओ। सर अगर हमने कोई किसी से पैसे लिए तो उसको हमने गुड्स दे दिए तो हमारा वो क्रेडिटर कम हो जाएगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई किसी लायबिलिटी के बदले में आपने गुड्स दे दिए, सेल तो नहीं किए भाई कोई हम, लेकिन इस बात को जरा लेना नहीं चाहिए, ये तो बहुत रेयर सिचुएशन में करते हैं जब पैसे देने के लिए ना हो, ठीक है ना, लायबिलिटी टू हो जाएगा, लेकिन रेयर ट्रांजेक्शन है, ठीक है। चैरिटी के बाद और देखिए, अब मेरी जैसे मैंने आपको बताया लकड़ी की दुकान है, फर्नीचर बनाना, अब लकड़ी का बाजू वाले से खरीदूं, वो लकड़ी बिकी नहीं, फर्नीचर बनाने में यूज हो गई, तो क्या एंट्री करूं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, राइट। कोई भी फिक्स एसेट हमने अपने यहां के मटेरियल से बना ली, अपने गुड्स से बना ली, तो उस फिक्स एसेट का नाम, अब मान लीजिए हमारी सीमेंट वगैरह की दुकान है, ठीक है, गोडाउन बना रहे, सीमेंट अपने यहां से भेजी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि वो गुड्स आपके सेल नहीं हुए। इसके बाद गुड्स फायर हो गए, जल गए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय फायर अकाउंट। गुड्स रिमेन अनसोल्ड, आखिर में गुड्स बिके ही नहीं, बच गए, वो एसेट बन गई जो बच गए, तो क्या एंट्री करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। हमने अपने स्टाफ को, एम्प्लॉयज को गुड्स दे दिए, किस लिए दिए भाई? एम्प्लॉयज को सैलरी की जगह पर, हम अपने एम्प्लॉयज को जो भी कुछ देते हैं वो दैट इज ए पार्ट ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयज कॉस्ट बोलते हैं, वो सैलरी का पार्ट है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो एक चीज आपने नोट की, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट चेंज हो रहा है, क्रेडिट चेंज नहीं हो रहा। यदि आपके गुड सेल नहीं हुए तो और फिर भी डिक्रीज हो गए, तो हमें परचेज अकाउंट में उन गुड्स को रहने नहीं देना है, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट, और जिस पर्पस के लिए वो गुड्स यूज हुए उस पर्पस को डेबिट। तो उसमें जो मेनली होता है वो ड्रॉइंग्स होता है, ड्रॉइंग्स आपको बार बार रिपीट होने वाली आइटम है।